और 221 सीट ओम प्रकाश गौतम पूर्व जिला अध्यक्ष चेक करके आया है। हर जिले में 3 सीट अगर भी निकल रही है हमारी तो 75 जिला है। भाई ने नहीं बताया लेकिन 225 बनती है और सन है 2022, इसलिए हमारी 221 सीट कंफर्म आएगी, क्योंकि 2007 में मैं 206 जीता था, एक सीट कम थी, तो इसलिए 2022 में भी एक सीट कम रहेगी, तो 21 जीत के बहन जी, आदरणीय बहन जी को पांचवी बार मुख्यमंत्री बनाऊंगा और इन फिर गुंडे माफियाओं को जेल की हवा खिलाऊंगा। और साथ ही आपको क्या समझाऊं, यहाँ तो सर्वजन के पढ़े लिखे को तो नौकरी मिलवे करी, अनपढ़ और गवारों को भी सफाई कर्मचारी की नौकरी मिली है। यह लोग तो संविदा और ठेकेदारी पर करते हैं, और आदरणीय बहन जी सरकारी देती हैं, पढ़े लिखे तो छोड़ दीजिए, अनपढ़ों को भी, और यह तो निजीकरण करके बेच दिया देश को। बता दीजिए आपकी 5,000 और 10,000 महीना पाने वाला अपने लड़के को क्या किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा सकता है? कि आदरणीय बहन जी पांचवीं बार 221 सीट लेकर सत्ता बनाने जा रही हैं, क्योंकि यह जनता को सांड राज और जंगल राज पहले चला था और सांड राज आज चल रहा है, कि मानवता खतरे में है, कौन जा रहा है, कब हमारा बेटा मर जाएगा, सांड से लड़के कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मानव और जनता ने फैसला किया है कि इस बार जंगल राज और सांड राज से मुक्ति चाहिए, क्योंकि दोनों आरएसएस के बी टीम हैं, ये ओम प्रकाश गौतम कह रहा है और साबित भी किया है आपके इस बयान में। अगर यह बात झूठा होगा तो ओम प्रकाश गौतम सर कटाने के लिए भी तैयार। नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। हम हैं यहाँ बनारस में रैली स्थल पर, जहाँ बहन कुमारी मायावती जी रैली करके जा चुकी हैं, उसके बावजूद भी यहाँ बहुजन समाज पार्टी के समर्थक, बहन कुमारी मायावती जी के समर्थक अभी भी मौजूद में हैं। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम रघुनाथ चौधरी है। रघुनाथ चौधरी साहब, आप कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, बहुजन समाज पार्टी के बारे में कुछ बताएं। स्थान संधा ग्राम सभा है, जिस स्थान पर माननीय बहन जी का प्रोग्राम हुआ है वो ग्राम सभा संधा में पड़ता है, और मेरा दायित्व बनता है कि मैं मिशनरी हूँ, मिशन का काम करता हूँ, बहुजन समाज पार्टी के वफादार मसीह भाई हूँ, इस कारण से मैं आया हूँ मानिया बहन जी का भाषण सुनने के लिए। बहन जी क्या घोषणा करेंगी, क्या नहीं कहेंगी, इसलिए घोषणा वो करती नहीं है, करके दिखाती है। तो ऐसा क्या है, बहन जी के सिपाही क्यों बने हुए हैं, आपको क्या मिलता है बहन जी के सिपाही बनने में, बताएं। मुझे सम्मान मिलता है। सम्मान मिलता है। सम्मान से कैसे काम चलेगा? सम्मान चल जाएगा, चलता है सर, बिल्कुल चलता है बहन जी का। घर परिवार और सब काम तो जो चल रहेगा वो सम्मान से तो नहीं चलेगा? नहीं, घर परिवार अच्छी तरह से चल रहा है सर, बहन जी का जो आशीर्वाद है मेरे ऊपर, और उस आशीर्वाद से वो देवी हैं, पूरे विश्व के वो साक्षात देवी हैं, उनकी आशीर्वाद जिसके सर पर पड़ जाती है, और घर परिवार तो क्या, देश चलता है। लेकिन ऐसा क्या किया है बहन जी ने, जब बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या किया है? मानिया बहन जी ने बहुत कुछ करके दिखाया है। क्या बताएं कुछ, और सर्वजन, पहली बात तो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की पार्टी है, लेकिन लोग तो बहुत नाराज हैं बहुजन समाज के, कि भाई बहुजन से सर्वजन क्यों कर दिया, कांसीराम साहब के रास्ते से भटक गई। नहीं, लोग कहते हैं ये विपक्षी का नाम बोल है, कि विपक्ष कह रहे हैं कि नहीं, मानवर कांसीराम साहब के रास्ते से मानिया बहन जी भटक चुकी हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं है, लोग हवा में ले रहे हैं। आज भी मानिया बहन जी बाबा साहब के, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के रास्ते पर चल रही हैं, और मानवर साहब के बताए हुए रास्ते पर चल रही हैं, और जो भी मिशन अधूरा है मानिया बहन जी पूरा कर रही हैं। कितनी सीटें आने की उम्मीद है आपको? 240 का कौन सा हिसाब है, कैसे आपने हिसाब लगाया? हमने पूरे स्टेट में अपना आंकड़ा लगा लिया, हम लोग गिना है, चौथा पांचवा छठवां चरण का जो है उस हिसाब वोट के फीसदी से हम लोग आंकड़ा लगा लेंगे, हम लोग 240 जीतेंगे। 240 जीत, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो इस बार आपको क्या लगता है, बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी तो जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया है, क्या उस आधार पर काम करेंगे या बहुजन के लिए काम करेंगी? वो तो हर बार के शासन में सर्वजन का ही काम हुआ है, हर बार के शासन में, चाहे नोएडा एक्सप्रेसवे हो, चाहे ट्रेन हो, मेट्रो सिटी, चाहे अयोध्या का फैसला आया
और अयोध्या का फैसला आया हाई कोर्ट से, और प्रधानमंत्री हमारे उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन हमारी बहना उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, और उन्होंने उत्तर प्रदेश को खोला और खोल के उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पुलिस को सफ़ेद डंडा दिया, और सफ़ेद डंडे से सर्वजन और बहुजन और मुस्लिम और अल्पसंख्यक सबका उन्होंने सम्मान रखा कि कोई भी न दंगा हुआ न फसाद हुआ। और ये लोग तो ढपोर संघ हैं जो कहते हैं कि हेतना, देख लीजिए तीन तीन हवाई जहाज़ से गुजर रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन जिस दिन ये मजदूर गुजर रहे थे किरौना में, इनका न हवाई जहाज़ था और न ट्रेन थी न बस था। उसके बाद इन्होंने कहा काला धन ले आऊँगा, काला धन कहाँ गया पता ही नहीं है। इन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन चलने वाली है, किस स्टेशन से चल रही है आज तक बताया नहीं गया। स्मार्ट सिटी कहते हैं कि 100 बना दिया, मैं किसी भी गोदी मीडिया से पूछना चाहता हूं कि मुझे 4 स्मार्ट सिटी का नाम बता दें। हमने सुना है ये बनारस तो मोदी जी का चुनाव क्षेत्र है, यहाँ से वो जो 2 बार जीते हैं, और बनारस को भी स्मार्ट सिटी बनाया था, क्या कुछ हुआ है ऐसा काम? कहीं कुछ नहीं है, जो बहन जी ने किया था, जो बहन जी ने बनाया था पुल, इसी को आधा जोड़ दिए, उसको भी जोड़ने में 150 आदमी की हत्या कर दिए बनारस कैंट स्टेशन पर, केवल उसको जोड़ने के चक्कर में। ये बहन जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, हमारे तो ये तो ढपोर संख ही हैं, केवल ढपोर संख बजाते हैं कि आइए दुगुना ले जाइए, और जाइएगा तो मुँह हमें से मिलेगा कि हाँ लियाई अतो के क्रिप्टो करेंसी दे, आ क्रिप्टो करेंसी मैंने भारत की भी इन्होंने करेंसी को बेच दिया, और 221 सीट ओम प्रकाश गौतम पूर्व जिला अध्यक्ष चेक करके आया है, हर जिले में 3 सीट अगर भी निकल रही है हमारी तो 75 जिला है, भाई ने नहीं बताया, लेकिन 225 बनती है और सन है 2022, इसलिए हमारी 221 सीट कन्फर्म आएगी, क्योंकि 2007 में मैं 2206 जीता था, 1 सीट कम थी, तो इसलिए 2022 में भी 1 सीट कम रहेगी, तो 21 जीत के बहन जी, आदरणीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाऊंगा, और इन फिर गुंडे माफियाओं को जेल की हवा खिलाऊंगा। और साथ ही आपको क्या समझाऊं, यहाँ तो सर्वजन के पढ़े लिखे को तो नौकरी मिलवे करी, अनपढ़ और गवारों को भी सफाई कर्मचारी की नौकरी मिली है, यह लोग तो संविदा और ठेकेदारी पर करते हैं। और आदरणीय बहन जी सरकारी देती हैं, पढ़े लिखे तो छोड़ दीजिए, अनपढ़ों को भी, और यह तो निजीकरण करके बेच दिया देश को। बता दीजिए आपकी 5000 और 10000 महीना पाने वाला अपने लड़के को क्या किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा सकता है? और जब किसी स्कूल मीडियम में नहीं पढ़ा पाएगा और भारत से शिक्षा खत्म हो जाएगी, फिर लोग खीरा से पैदा होने लगे, फिर लोग भुजा से पैदा होने। अच्छा ये बताइए, सारे लोग कहते हैं कि सारी पार्टियां चुनाव के समय पर घोषणा पत्र जारी करती हैं, बड़े बड़े मैनिफेस्टो जारी करती हैं, बहुजन समाज पार्टी कोई घोषणा पत्र क्यों नहीं जारी करती? बहुजन समाज पार्टी घोषणा में विश्वास नहीं करती है, काम करने में विश्वास करती है। जैसे मैं आपने देखा है कि बहुजन समाज पार्टी में नहीं कहा था कि मैं अंबेडकर ग्राम बना के सर्व समाज के सड़क बनवा दूंगी, आज देहात में जाएंगे तो जो अंबेडकर ग्राम बना है उस पर सर्व समाज का मोटरसाइकिल और हेलीकॉप्टर और चरचक्का दौड़ता है। हमारे इस ललुआ समाज के पास अभी चरचक्का नहीं है, क्योंकि समता समानता बंधुत्व और न्याय इस देश से 3 लोगों ने गायब कर दिया है। जो लोग कहते हैं कि बसपा बी टीम है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि गांधी परिवार के दामाद को प्रधानमंत्री, आप उठा के देख लीजिए, 14 से बोलते थे कि गांधी परिवार के दामाद को, युवराज के बहनोई को जेल भेजूंगा क्योंकि देश लूट लिया है, और आज तक जेल नहीं गया, सोचिए बी टीम कौन है। मुलायम सिंह कहते हैं कि दोबारा मोदी ही जी आएंगे, बताइए बी टीम कौन है।
मुलायम सिंह ही जब बहन जी ने राजा भैया को बंद किया था आताताई को, जिसने गरीबों को सर्व समाज के गरीबों का अत्याचार अन्याय किया था, उसको सर्व समाज के जब गरीबों के अत्याचार करने वाले को बहन जी ने बंद किया था, तो यही भाजपा के लोगों ने दबाव बनाया कि राजा भैया को छोड़ दीजिए, सरकार चलेगा। बहन जी ने हम लोगों को बुलाया, मीटिंग बुलाई, और मीटिंग बुलाकर आदरणीय बहन जी ने सत्ता को लात मार दिया, और उसी सत्ता को भाजपा के अदृश्य समर्थन से मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनते हैं और केसरी नाथ त्रिपाठी विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं, और जेल से जेल मंत्री बनाकर राजा भैया को छोड़ा जाता है। अब आप बता दीजिए बी टीम कौन है? आप अपना नाम बताएं और कहां से हैं ये भी बताएं परिचय। ओम प्रकाश गौतम, मेरा नाम ओम प्रकाश भारती था। जब मैं जिला अध्यक्ष कार्यालय बसपा का जिला कार्यालय बनवाया हूँ सबके सहयोग से, और उसी का मुझे इनाम मिला, बहन जी ने मुझे जिला अध्यक्ष बनाया गाजीपुर का। जब जिला अध्यक्ष बन के गया, मैंने ओम प्रकाश भारती बताया, तो मुझे मेरा नाम बहन जी ने ओम प्रकाश गौतम कर दिया। और उसके बाद मेरा लड़का तनी सी मर गया था, लोगों ने विरोध कर दिया, मैं था नहीं, आ नहीं रहा था, लेकिन किसी ने कहा कि चले जाओ घर पे सबकी, और जो ही मैं घर आया त्यों ही मेरा विरोध करके और मुझे पद से आज तक हटाया गया। लेकिन मैं बसपा के लिए ही लगा हूँ, किसी भी मीटिंग किसी भी जिले में आप पता कर सकते हैं, हर जगह दौड़ा किया हूँ, चाहे फूलपुर हो, चाहे आगरा हो, चाहे कानपुर हो, चाहे लखनऊ हो, बाराबंकी हो। अभी हम लोग धर्म सैनिक यहाँ से आए हैं जो गोना मोहम्मदाबाद से लड़ रहे थे, फिर हम लोग प्रदेश अध्यक्ष हमारे भीम राजभर जी हैं आदरणीय, उनके लिए सब तरफ से हम लोग घूमते हुए पता लगा के आ चुका हूँ। जागो मिटने वाला परिवार ने यह घोषणा कर दिया है कि आदरणीय बहन जी पांचवी बार 221 सीट लेकर सत्ता बनाने जा रही हैं, क्योंकि यह जनता को साण राज और जंगल राज पहले चला था और साण राज आज चल रहा है कि मानवता खतरे में है, कौन जा रहा है, कब हमारा बेटा मर जाएगा, साण से लड़के कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मानव और जनता ने फैसला किया है कि इस बार जंगल राज और साण राज से मुक्ति चाहिए, क्योंकि दोनों आरएसएस के बी टीम हैं, ये ओम प्रकाश गौतम कह रहा है और साबित भी किया है आपके इस बयान में। अगर यह बात झूठा होगा तो ओम प्रकाश गौतम सर कटाने के लिए भी तैयार। देखिए, ये हैं बहुजन समाज पार्टी के सच्चे सिपाही, पद ना होते हुए भी इनके पास भी कोई पद नहीं है, इनके पास भी कोई पद नहीं है, किसी के पास कोई पद नहीं है, उसके बावजूद भी लगातार कोई शिकायत नहीं, शिकवा नहीं है। बहन जी के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए समर्पित हैं, हर जगह जा रहे हैं, आप देख रहे हैं जो इन्होंने वक्तव्य दिया है। तो इस तरीके से यही कारण है कि बहुजन समाज पार्टी का जो कारवां है, बहुजन समाज पार्टी का जो वोट परसेंटेज है, कभी भी कम नहीं हुआ है। और जब इस तरीके के लोग लगे हुए हैं कि इनको निकलवा दिया, पद हटवा दिया, लेकिन फिर भी ये टस से मस होने वाले नहीं, इनका बेटा भी मर गया लेकिन फिर भी जो है ये टस से मस नहीं हुए, ऐसे एक नहीं, यहाँ उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में है ऐसे सिपाही। तो मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों की वजह से बहन जी पाँचवीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।